सो गाइस, जू से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क। आप देख सकते हैं ऊपर एंट्रेंस है ये, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। मतलब जू जितना बड़ा नहीं है, छोटा सा है और बहुत अच्छा है अंदर से। और यहाँ पे सफारी का बसेस अभी भी जा रही हैं, लोग शाम तक सफारी देखने जाते हैं, बट मुझे लगता है सफारी से ज़्यादा जू अच्छा होता है। तो जो भी है, अभी फाइनली जाके अंदर देखते हैं बटरफ्लाई पार्क कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे एंट्रेंस के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा बना हुआ है बटरफ्लाई पार्क का एंट्रेंस है ये। और यहाँ पे अंदर आपको टिकट देना होता है। अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो आपको अलायंस नहीं है, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी मिल जाएगा। आना है तो यहाँ पे ही डायरेक्टली आ सकते हैं। और ये फोटो शूट के लिए एक वॉल बनाया गया है बटरफ्लाई वाला, और सभी लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस, अंदर आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क में, और हर जगह बटरफ्लाई का स्पीशीज जो भी होता है उसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ रहता है, ताकि आपको उसके बारे में पता चल पाए कि कौन सा बटरफ्लाई है। हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज होता है, और आप देख सकते हैं हर जगह ग्रीनरी है। मुझे लगता है जू से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा साइलेंस है। और एज यूजुअली यहाँ पे टिकट लेने के बाद ही आ जाते हैं सब लोग, बट हम लोग पहले जू में घुस गए थे तो इस वजह से अभी आए हैं। लेकिन कभी भी और शांति रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। जू में बहुत भीड़ भाड़ रहता है, और गाइस कहीं भी जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एनर्जी लेवल एकदम 100% होता है। जैसे बैटरी 100% चार्ज होता है, वैसे एनर्जी होता है। बट दिन भर अगर आप घूमते हो गाइस, मुझसे रिलेट करने के लिए मैं सारी बातें कर रही हूँ, आप सोच के देखना। दिन भर घूमते हैं तो इतना लो फील होता है कि कितना भी आगे सामने अच्छा नज़ारा देख के आपको उसको एंजॉय करने का मन नहीं करता। इधर इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज थे। बटरफ्लाइज यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस है बटरफ्लाइज के लिए। मुझे लगता है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बटरफ्लाइज़ को अंदर रखना पड़ता है, उनको कंजर्व करके रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये एक एंट्रेंस जो देख रहे हैं उसके अंदर भी अलग टाइप के बटरफ्लाई है। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल बटरफ्लाइज दिखेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ के जा रही है। और बच्चे अगर थक जाते हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो यहाँ पर उनके लिए पार्क भी है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बटरफ्लाई पार्क में ज़रूर आएगा, बिकॉज़ यहाँ पर बच्चों का पार्क है, और वहाँ पे मतलब बफाक देखते ही सारा थकान भूल जाएंगे, फिर आपको तंग नहीं करेंगे। और अंदर जाते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज है यहाँ पे। नॉर्मल जो भी बटरफ्लाइज गांव में दिखाई देते हैं, आजकल सिटीज़ में नहीं रहते हैं, वो सारे दिख रहे हैं, बट अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज है, तो वो जा कर के देखते हैं। चलिए, अभी शॉर्ट्स के लिए चलो हम भी चढ़ते हैं शॉर्ट्स के लिए। तो गाइस, तो हम लोग ये घूमने वाले पे चढ़े हुए हैं बच्चों के पास। मुझे बहुत डर लगता है, सर चक्कर आता है। ओए भाई, इधर ऐसा करो, मत घुमाना बेबी, मत घुमाना, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, पकड़ो बोलिए आप ही शॉर्ट्स के लिए। रुको, धीरे से, आए धीरे 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 ही है, धीरे ही है, धीरे 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 धीरे। नहीं 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 बोलना। सो गाइस, हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी के पॉट्स रखे हुए हैं, मुझे लगता है टिकटियों के लिए रखे हैं। यहाँ पे आते ही अजीब सा घुटन हो रहा है गाइस, मतलब मुझे लगता है बाहर, हाँ बहुत सारी टिकटियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी टिकटियाँ दिख रही हैं। अरे बोलते रहो,
सो गाइस मुझे लगता है यहाँ पे पूरा ऑल ओवर मतलब सब जगह से बंद है, तो घुटन हो रहा है लोगों को ही, तो तितलियों को भी पता नहीं घुटन होता होगा कि नहीं। और बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ हैं, बाहर नहीं आती हैं, गेट खुला रहता है फिर भी। और उनके खाने के लिए जो भी चाहिए पेड़ पौधों का जो भी ज़रूरत रहता है मुझे लगता है वो भी उगाया गया है। यहाँ पे करी लीव का पेड़ है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के फ्लावर्स का पेड़ है, और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाई है। मुझे तो एक ही पता है वहाँ पे जो उड़ रहा है, इसको बोलते हैं टाइगर बटरफ्लाई, आपको दिख रहा होगा तो। हाँ यहाँ पे लेपर्ड बटरफ्लाई बोलते हैं, नहीं टाइगर भी अलग वाला होता है जो गांव में मिलता है। यहाँ पे पॉन्ड है गाइस, देख सकते हैं, और मछलियाँ भी है बहुत सारी, तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, ऐसे नेचर वाला फील देने के लिए मछलियों को भी छोड़ा गया। और बहुत सुंदर माहौल है, तितलियाँ भिनभिना रही हैं कान के पास। और लेकिन ये ऊपर जो बंद है ना छत जैसा, ये पता नहीं घुटन जैसा लग रहा है बाहर। हाँ तितलियाँ भाग ना सके इसलिए बंद है, बट लगता है बाहर एकदम खुला वाला एयर था, अभी अंदर आ गए हैं तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं, बट कोई बात नहीं, कंजर्व करके रखने के लिए किया जाता होगा। गाइस यहाँ पे घूमने फिरने वाले लोग तो आते ही हैं, साथ में फॉरेनर्स आते हैं, और मैंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया, बिकॉज मैं बहुत बार आ चुकी हूँ ना, एक बार से ज़्यादा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत आते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों को लेके आते हैं जो स्पेशली स्कूल में पढ़ाई करते हैं, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को, क्योंकि इस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास में अगर पता होता है तो यू विल बी मतलब फीलिंग लाइक प्राउड कि मुझे पता है, तो वैसे सारा नॉलेज हासिल करने के लिए यहाँ पे लेके आया जाता है। देख सकते हैं हर जगह बोर्ड्स पे लिख के दिखाया गया है कि कौन सा खाना खाती हैं, कहाँ से आई हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, कोकून्स भी थे यहाँ पे, स्पीशीज थे जो डेड बटरफ्लाइज थी उसको भी लगाया गया था, यहाँ पे स्कॉर्पियन था, मुझे डर लगता है उससे। यहाँ पे क्लासेस टाइप का भी होता है गाइस, अगर आपको पढ़ना लिखना मतलब नहीं आता है या पढ़ाई नहीं कर सकते कन्नड़ा लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। क्लास में बैठ जाओ और आपको सारा मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा टीवी देखने से। जा रहे हैं घर, बीबी बोल रहे थे कि जू से निकल के मीनाक्षी मॉल जाएंगे, बट अभी इतने थक गए हैं कि पता नहीं घर जाके घर का सीढ़ी भी चढ़ पाएंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जब से आए हैं बस चले जा रहे हैं, फिरे जा रहे हैं और वीडियो बनाए जा रहे हैं, सुबह से एग्जॉस्टेड हो गए हैं गाइस, और अभी वॉशरूम जाके फेस वॉश करके आ गए हैं। बट सो गाइस आज तो बहुत थक गए हैं, लेकिन कल भी बेबी का छुट्टी है, और कल अगर फिर से एनर्जी रिगेन हो जाएगा तो फिर से हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, और देखते हैं, आप कमेंट करके बताना, बहुत जगह है बैंगलोर में घूमने के लिए, हम लोग ज़रूर जाएंगे, बट आज जितना थक गए मुझे लगता है मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मुझे वो हो जाता है टाइफाइड, है ना, टाइफाइड बुखार हो जाता है, इतना थकान होता है शरीर मेरा, ज़्यादा सह नहीं पाता, इसीलिए मैं रेगुलर वॉकिंग पे जाती थी, पर बेबी की वजह से वो भी छूट गया, बेबी को आठ बजे तक के सोने का आदत हो गया है। यहाँ पे पीछे सिक्योरिटी देख सकते हैं, हर जगह सिक्योरिटी मौजूद रहता है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं फल फूल के, बट आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं। और अगर कल वैसे मतलब ठीक हो जाएंगे दोनों तो कहीं ना कहीं जाके शूट करेंगे, बट आई होप कि आप मतलब देखेंगे, अगर कहीं जाएंगे भी नहीं तो घर में ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग शूट करेंगे, वो भी आप देखना, और बेबी रहेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही। और फाइनली हम आ गए हैं बाहर, आप देख सकते हैं ये है एग्जिट। हम लोगों का पानी ख़त्म हो गया था, फिर हम लोगों ने जाते जाते मिरिंडा और एपिफिस पिया, फिर बारिश जैसा मौसम हो गया था जबकि हम वेदर देख के आए थे, इस वजह से चाय पिया रुके, और वहाँ पे एक घंटा रुकना पड़ा खड़े होके शोरूम में, बारिश बहुत तेज़ हो गया था, घर पे आते ही दोनों भीग गए थे, चेंज करके ब्लो ड्राई किया एक दूसरे को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।